एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज महद एंड टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी माय आफ्टर स्कूल रूटीन एज अ सीबीएसई 10th ग्रेडर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। गाइस, इट्स करंटली 1:45 एंड जस्ट मैं स्कूल से आई एंड ये रही मैं, और फटाफट से फिर मैंने लिया शावर। मैं चली गई थी शावर लेने और यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गई रेडी, और उसके बाद फिर मैंने लंच किया। लंच के बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट लिया और फिर चार पता नहीं कैसे बज गए, फिर 4 बजते फटाफट से मैं भागी अपनी कोचिंग के लिए। हाँ, 4 बजे मैं कोचिंग जाई। उसके बाद मैं 6:30 पर वहाँ से आई। 6:30 पर आने पर मैंने रास्ते से यहाँ पर समोसे लिए थे और बहुत ही ज़्यादा मुझे थकान सी लग रही थी। फिर मैंने चाय भी पी। चाय भी पीने के बाद मैंने अच्छा खासा रेस्ट किया क्योंकि मैं सुबह से भागी रही थी बस। एंड अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। अब ये होने वाली है अच्छी वाली वीडियो। मतलब यार देखो, अभी तक तुम छोटी छोटी क्लिप में समझ रहे थे कि मेरा पूरा दिन कैसे गया, बट अब ये वीडियो में सही से सब कुछ समझ आ जाएगा। बिकॉज मैं अपनी जो क्लिप है वो नहीं रिकॉर्ड कर पाती ज़्यादा, तो तुम लोग देख सकते हो अब। तो यहाँ पे मैं पढ़ी अपना मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर। सो गाइज, मैं तुम्हें बता दूँ कि अभी इस वीडियो को मैं 1 दिन या 2 दिन बाद शूट कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन यार अभी तक ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बिकॉज ये चैप्टर मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है इसको बार बार रिवाइज़ करना, तो फटाफट से यहाँ पे मैं रिवाइज ही कर रही थी जैसे कि तुम सब देख सकते हो। बिकॉज मैंने सोचा कि मैं जितना हो सके कि मैं रिवीजन करूँगी, मतलब कम पढ़ूंगी बट रिवीजन ज़्यादा करूँगी, यही कहना चाह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं रिवाइज़ करी थी अपने केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री में ज़्यादा अब तो मैंने नहीं पढ़ा था, बट जितना पढ़ा था उसी को मैं रिवाइज़ करी थी। और इसको रिवाइज़ करने के बाद मुझे आगे चैप्टर को भी पढ़ना था क्योंकि चैप्टर मेरे स्कूल में तो स्टार्ट हो गया है, तो स्कूल से पहले मुझे कम्प्लीट करना है। तो बस यहाँ पर मैं इसको रिवाइज कर लेती अच्छी तरीके से। सो गाइस, तुमने मुझे बताना कि क्या तुमने मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर अपने हाफ ईयरली से पहले कंप्लीट कर लिया था, या फिर तुम मेरी तरह हाफ ईयरली के बाद इसको स्टार्ट करे। बिकॉज देखो, स्कूल में इसको पढ़ाया जा रहा था, तो मतलब इसको नहीं पढ़ाया जा रहा था, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर हमारे हाफ ईयरली में आया था, इस वजह से मैंने उसको ही पढ़ा। तो फटाफट से यहाँ पर मैं अब अपने लेक्चर लेना स्टार्ट करी, तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था गाइज, एंड इसके आगे अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर के थ्रू। देखो गाइस, मैं चैप्टर को रिवाइज़ करने में जितनी बार कहोगे मैं रिवाइज़ करूँगी, बट यार देखो मेरे चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होते। मतलब यार किसी ना किसी तरीके से वो मेरा जो 2 घंटे वाला चैप्टर 2 दिन में ख़त्म होता है, मतलब मुझसे चैप्टर कंप्लीट करे नहीं जाते, बट मुझे रिवाइज़ करने में बहुत सही रहता है। मैं रिवाइज़ कर लूँगी बट मुझसे कंप्लीट ही नहीं होते। तो किस किस के साथ ऐसा मेरा होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस मैं इसको पढ़ रही थी गाइस, बिकॉज देखो यार इतना ज़्यादा बीच बीच में उठ के जाना भी पड़ रहा था, कुछ ना कुछ हुआ ही जा रहा था, इसलिए फिर उसके बाद मैंने अपने आप को बैठाया कि नहीं है, मुझे पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब 2 घंटे वाली पढ़ाई हम लोग 6 घंटे में करते सिर्फ इसी चक्कर में। तो बस मैंने अपने आप को बैठाए रखा और मैं बस यहाँ पर लेक्चर लेती रही ना, कि कोई भी चैप्टर उसको ज़्यादा देर तक मैं पढ़ ही नहीं पाती। मैं बिल्कुल अगर मैं लेक्चर ले रही तो मैं थक जाती हूँ उस चैप्टर को पढ़ने में, इतने से ज़्यादा कि हाँ मुझे नींद आ रही। बट मैं अपने आप को बैठाना चाहती हूँ किस तरीके से, क्योंकि यार देखो अगर मैं जितनी मेहनत करती हूँ अभी इस हिसाब से, मैं जितनी थोड़ी मेहनत कुछ भी करती हूँ, तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा और मेहनत करूँगी तो शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, जो मेरी इतनी गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम में वो ना हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ही पढ़ूंगी बट इसको रिवाइज़ करती रहूँगी। बिकॉज मेरी जो गलतियाँ मैं तुम्हें एक वीडियो में पूरी बताऊँगी कि मेरी क्या क्या गलतियाँ मैंने हाफ ईयरली के टाइम पर की और हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी कर दी सब कुछ, और उसके एक वीडियो भी आएगी और मेरा भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं तुम लोग से वो ज़रूर शेयर करूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज, बस यही तक थी आज की मेरी वीडियो। में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय। और हाँ, वीडियो अगर तुम्हें छोटी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज यार देखो मैं ज़्यादा क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, तो मैं सिर्फ और जब पढ़ती हूँ उस टाइम मेरे से रिकॉर्ड हो जाती है, बट ऐसे मैं नहीं कर पाती हूँ। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तक के लिए बाय बाय गाइज।